कि आपका कनाडा पीआर लग चुका है, बट आपको ये नहीं पता कि कनाडा में आपको पीआर के बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, या फिर आपको ये नहीं पता कि आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको यहाँ दूंगा। सो आई एम सुधांशु एंड आई एम फ्रॉम इरा इमिग्रेशन। सो आप प्लीज इस वीडियो को प्लीज टिल एंड तक देखिए ताकि आप इसके बारे में पूरा जान पाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। सो जैसे कि आप जानते हैं, हमारी इरा इमिग्रेशन एक वीजा एक्सपर्ट कंपनी है जो आपको कनाडा पीआर, स्टडी वीजा एंड टूरिस्ट वीजा में हेल्प करती है। सो हमारे पास काफी क्लाइंट आते हैं जिनको ये नहीं पता कि कनाडा पीआर मिलने के बाद कैसे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और कैसे अपने पीआर को सिटीजनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर पीआर और सिटीजनशिप की क्या क्या वैलिडिटी रहती है। तो आइए इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज हम। सो कनाडा पीआर मिलने के बाद पहले क्या बेनिफिट मिलते हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे। सो कनाडा पीआर मिलने के बाद आपको जॉब, बिजनेस, स्टडीज, इन तीनों का राइट्स मिलता है। आप कोई किसी भी तरह की जॉब कर सकते हैं, आप अगर आप किसी तरह का बिजनेस कर सकते हैं, आप इवन अगर आप स्टडी करना चाहें तो आप लोकल चार्जेस पे आप स्टडीज भी कर सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट आप जो भी काम करें प्लीज आप लीगल तरीके से करें, क्योंकि आपको जो पीआर होता है वो प्रोबेशन पीरियड की तरह कंसिडर किया जाता है। अगर हम कुछ भी आप गलत एक्टिविटी में जाते हैं तो माइंड भी आपका पीआर जो है कैंसिल हो सकता है और आपको बैन भी लग सकता है, इसका ध्यान रखना है आपको। बाय द वे, अगर आप वहां पर 6 मंथ तक आप कुछ नहीं करते तो आपको आफ्टर 6 मंथ गवर्नमेंट जो है वहां की कनाडा गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जो मिनिमम 400 से लेकर मैक्सिमम $1800 रहते हैं अप्रॉक्स, जो एज पर ये फैमिली होती है। बाय द वे इसके अलावा मेडिकल राइट्स भी आपको सारे मिलेंगे। अगर आप आपके छोटे बच्चे हैं और वो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको उनकी एजुकेशन में आपको टिल 12th फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, उसके बाद आपको लोकल चार्जेस पे आप उनको स्टडी करवा सकते हैं। ये तो था आपको पीआर के बेनिफिट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एक सबसे बड़ा आपको प्लस पॉइंट मिलता है, अगर आपको पीआर मिल जाता है तो आप ओवरऑल 80 कंट्रीज में, लाइक जिसमें यूएस, यूके, न्यूजीलैंड सारा ही अवेलेबल है, उसमें आप इन कंट्रीज में बिना वीजा ट्रैवल कर सकते हैं ऑन योर पीआर। सो ये भी बेनिफिट आपको मिलेगा आफ्टर गेटिंग पीआर। आपको पीआर और सिटीजनशिप में एक ही डिफरेंस है कि आप सिटीजनशिप के अंदर आप वोटिंग कर सकते हैं, बट आपको पीआर में वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। सो पीआर को पहले हम डिस्कस करेंगे, पीआर के लिए आप कितनी वैलिडिटी और पीआर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जो पीआर है वो 5 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है, और उसको मेंटेन करने के लिए आपको अपने 5 ईयर्स में 2 ईयर कंप्लीट करने जरूरी है ब्रेकअप में। इट मींस आप 2 ईयर चाहे आप 6 मंथ करके कंप्लीट करें या फिर एक साथ कंप्लीट करें, वो आपका कॉल है। अदरवाइज अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए कनाडा की, तो आप उस 2 ईयर को 3 ईयर में कन्वर्ट कर दें, और वो ब्रेकअप में कन्वर्ट करना है आपको। जरूरी आपको 3 साल कंटिन्यू रहना है। अगर आप 3 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं 5 ईयर्स में, तो यू विल गेट सिटीजनशिप आफ्टर गेटिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग योर 5 ईयर्स। तो ये सब बेनिफिट आपको मिलेंगे आफ्टर गेटिंग पीआर, और सिटीजनशिप मिलते ही आपको वहां का पासपोर्ट अवेल हो जाएगा और वहां का वोटिंग राइट भी आपको अवेल हो जाएंगे। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसके बारे में और जानना है और हमारे वीजा एक्सपर्ट से बात करनी है, तो आप प्लीज अब हमें कॉल कीजिए हमारे नंबर पे जो आपके डिस्प्ले भी शो हो रहा है अभी। नंबर है 8288555527, या फिर आप हमें हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं जो है www.iraimmigration.com। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस तरह के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए प्लीज आप हमारे बेल आइकन पे क्लिक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।